हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम लक्ष्मण, आप देख रहे लगजार कौन मन, और हो आपका दिन अच्छा जा रहा हो। तो अभी शुरू करते हैं। मैं अभी फिर से एक नए वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी है। सबको स्टैंड अप कॉमेडी अच्छी तो लगती है। तो अभी इस वीडियो का नाम मुझे याद है, हेल्थ एंग्जाइटी। और ये ज़रा ब्राइट थोड़ा सा लुक भी मुझे पहले के मेरे जिन्होंने वीडियो देखा है उन्होंने बोला कि पूरा काला काला दिख रहा था, तो अच्छा नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और कुछ अलग किया है। तो अभी वीडियो को शुरू कर देते। पहले विंडो पे आओ, हेडफोन्स पहन लो। चलो हेडफोन्स तो पहन लिए, एक मिनट, आज मैंने स्पेक्स भी लगाए। चलो शुरू कर देते। स्पेशल लाइव हो चुका है, तुम अभी देख सकते हो यूट्यूब मेंबर बन के, या फिर अगर उसमें पेमेंट का इशू आता जो बहुत लोगों को आ रहा था, तो वीमियो का लिंक भी डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी देख सकते हो। पूरा शो 1 घंटे 5 मिनट का है, जिसमें से पिछली वीडियो मैंने निकाली थी वो 10 मिनट की थी, और ये अराउंड 20 मिनट की है। तो बाकी का 35 देखने के लिए तुम्हें ये मेंबरशिप ज्वाइन करके देखना पड़ेगा। पर अगर तुम्हें फ्री में देखना है सारा का सारा शो, तो बस वेट कर लो इस साल के एंड तक, क्योंकि मैं इस साल के एंड में फ्री में निकाल दूंगा। बट अगर अभी के अभी देखना है तो YouTube मेंबरशिप या Vimeo पर जाकर देख सकते हो। मैं हो चुका हूँ फिटनेस में। छोड़ो। हाँ हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस को मैं। एक मिनट यार, मेरे स्पेक्स मुझे थोड़ा सा दिक्कत दे रहे, थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ ना हेडफोन्स। ओके, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, एक मिनट। ओके, मच बेटर। मुझे पता लगा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की, तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो जो किया है ना, उन सारी चीजों से हार्ट अटैक आता है। पता ही नहीं था मुझे ये। मुझे भी नहीं, क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते। सो के कैसे उठते हो ऐसे गलत? ये तो मैंने भी देखा था एक बार। लेफ्ट से उठना था, दिल यहाँ होता है। 30 साल गलत उठ लिए। सेवन वेज यू आर ईटिंग कर्ड रॉन्ग। क्या दही खाने भी नहीं आती मुझे? मैं फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अभी तो तुम्हें चावल खाते नहीं देखा। वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूँ। वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा भाई। चाहिए गलाई ना पकड़ ले, चबाएगा कौन, चबाएगा कौन? सॉरी भाई, खिचड़ी थी भाई, सॉरी। और क्या है गलत तरीका दही खाने का? भाई तभी कह रहे दही में चीनी मत डालो। हाँ पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। बेचारी दही क्या गलती इसमें? अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा जाऊं। मैं अभिषेक जेल के गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतने दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। चम्मच दो फेंक के क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। नहीं यार, मैं ना, अब देखो, मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए जो जो करना चाहिए, पर यार अब 30 साल की गलतियां कहाँ 1-1.5 साल की जिमिंग से ठीक होंगी। किया तो सब कुछ, पर 6 महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे यार डर था। मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हुआ यहाँ पे। वो दर्द बढ़ के कभी यहाँ पहुँच जाता था, कभी यहाँ 15 सेकेंड रहता था, फिर यहाँ पहुँच जाता था, फिर यहाँ पूरी बॉडी ट्रैवल कर रहा है 15-15 सेकेंड। मैं कहो शिट, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया। भाई गूगल नहीं तो करना चाहिए था। नर्व प्रॉब्लम है। तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका नाम है डॉक्टर शिरीष। मैं उनके पास गया, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु, सर मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। सर डायबिटिक में होने ही तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। 30 साल से ढंग से सो के नहीं उठा हूँ, तो सम फॉर्म ऑफ कैंसर हैज डेवलप्ड।
जो न्यूरोपैथी की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है. राइट नाउ इट्स एट स्टेज वन विच इज माइल्ड पेन. स्टेज टू इज कॉन्स्टेंट पेन एंड एज यू नो स्टेज फोर इज कम्प्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन. सो हाउ डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड? डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर कह रहा है एक बार मैं चेक कर लूं. वही वही मुझे अंदर बुलाया उसने. यहाँ हथौड़ा मार रहा है. हथौड़ा मारने के बाद कह रहा है चल के दिखाओ. मैंने अपनी बेस्ट वॉक की उसके सामने. बेस्ट वॉक मैं कहा चल के अभी दिखाता हूँ सर. ये देख रहे हो सर क्या कर रहा है सर. ये देखो सर मेरी वॉक देख रहे हो आप सर. देख रहे कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया उसने. ठीक है प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया. मैं कहा सर व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गोइंग फॉर? एंटी सीजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑक्सीकोडोन, और यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद कीमो राइट अवे? कह रहा ये लो. दूसरा निकलेगा कुछ. वाटर लिखा हुआ है. पानी. मैं कहा पानी? हाँ पता है ना पानी. मैं कहा पता है? कह जाओ पियो जा. 1500 रुपए ले लिए. पानी लिख के दे रहा है. पिलाया भी नहीं बेंच. तो यार कैंसर कौन सा? मैंने पढ़ा था कि अगर तुम अर्ली डिटेक्ट कर लो ना अर्ली तो ठीक हो जाता है. मैंने कहा अर्ली बहन जो पहले दिन पकड़ूंगा मैं इसको. तो मैंने तुरंत जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट खुद ही करा लिए. कंप्लीट ब्लड टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट, ALA का टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करा लिया. वो कर भी नहीं रहे थे. कह रहे होता ही नहीं 50 साल से नीचे को. मैं कहा आप टेस्ट करो ना. कह रहे हमने कहा गर्दन पर करा. कर कर बहन. क्या क्या ऐसे टेस्ट कराए मैंने. उन टेस्ट में मेरा ESR हाई आया. ESR किसी को पता है ESR क्या होता है? बोलो. क्या बात है. इनको 10 रुपए देना जाते टाइम. वेरी गुड. बाकियों क्यों नहीं पता? भाई कॉमेडी देखने से हेल्थ नहीं ठीक होगी. मैं बता रहा हूँ तुम्हें. यार जीव निकल गया है हंसने से कुछ नहीं होने वाला. एथ्रोक्राइट सेडिमेंटेशन ने पता लगता है ब्लड में इन्फेक्शन कितना है. मेरा वो हाई था. पता ही था मुझे. सिरीश. मैं भाग के लिए लेती वापस किया. मैं कहा सर ESR हाई आया है. तुम्हें किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं. ऊपर से बोल रहे हो किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? मैं कहा ESR हाई है सर. 0 to 20 नॉर्मल होता है. मैं 24 चल रहा है. कह रहे 100 होगा तब आना जाओ. मैं कहा 100 की वेट क्यों करनी? कैंसर बड़ा हो जाएगा. अभी पकड़ के अभी मार देते हैं ना सर. कह रहे जाओ यहां से. मैं कहा सर 24 पे है. 24 हथौड़ा उठा लिया. हथौड़ा मार दूंगा बहचो तुम्हें मैं. फिर 1500 ले ली. काली घोटा. काली घोटा. मैं समझ गया ये कोई मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर है. किसी पारसी के बाद कारण खुल के घुस गया ये. इसे आता तो कुछ है नहीं. तो मुझे लगा जुगाड़ से ही जाना पड़ेगा. तो मेरा एक फ्रेंड है उसकी मॉम डॉक्टर है. वो सीनियर डॉक्टर है. मैंने उसके अपने फ्रेंड को फोन किया. मैंने अपनी मॉम के थ्रू भेजा किसी रेफरेंस के थ्रू. तो उसकी मॉम ने मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल भेज दिया उनके हेड न्यूरोलॉजिस्ट के पास. मैं उनके पास पहुंचा. मैं कहा है सर अभिषेक उपमन्यु पेरिफेरल न्यूरोपैथी. कह रहा आपको? मैं कहा यस सर. कह रहा अंदर आओ. मैं कहा सर मुझे तारा शर्मा. कह तारा ने भेजा. अरे अंदर आओ अभिषेक अंदर आओ. अरे अभिषेक मैं और तारा तो पता है कब से दोस्त है. कॉलेज से दोस्त है. कॉलेज में साथ में ही घूमते थे. साथ में ही क्लासेस लगाना. साथ में ही फेस्ट पे जाना. हमें तो इतने. मैं कहा सर मेरा कैंसर बन रहा है सर. ठीक है आप कैंसर ट्रीट करो. मैं सब सुनूंगा बैठ के. बिठाया उसने मुझे. यहाँ हथौड़ा मार रहा है फिर से. फिर से यहाँ तो मेरे परमानेंट दर्द रहता है. ऊपर से न्यूरोलॉजिस्ट कैसे डॉक्टर है? हथौड़ा लेके घूम रहे हैं. ये कैसा मेडिकल? ये क्या औजार लेके घूम रहे हैं?
मैं एक दिन वैसे चल जाऊंगा इनके पास कि बीमार है, मैं कहना कील ठोक दो भैंचे यहाँ पे जूते का सोल निकला हुआ है भाई। जूते के सोल से याद आया कल ऑफिस था, सैटरडे था कल, और कल मेरे दोस्त ने एक बाइक लेके आई थी, उसकी नई बाइक थी, और मैं उसके बाइक पे बैठ के वापस आ रहे थे हम लोग रात को, और मैंने पैर रखा साइलेंसर पे, मेरे शूज का सोल जो गर्म हुआ है, गर्म होकर पिघल गया एक्चुअली, इतना उसने साइलेंसर मॉडिफाई किया था पूरा, और मैंने एक्चुअली गलत जगह पे पावर रख दिया, मुझे ज़रा पीछे रखना चाहिए था, मैंने पूरा कुछ आगे रख दिया, तो इसलिए मेरा पूरा सोल पिघल गया। चलो थोड़ा थोड़ा मार के कह रहा है, बस थोड़ा मार के अभी से कुछ लग नहीं रहा है यार। मैं कहा सर मुझे लग रहा है सर, सर कैंसर बनता जा रहा है सर, पहले दिन पकड़ने का प्लान था, डे 3 चल रहा है। मैं कहा कुछ हो जाएगा सर, मुझे हो जाएगा। कह रहे ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आपको तारा जी ने भेजा है। अभिषेक तुम जानते नहीं हो मेरे तारा से दोस्ती कितनी प्यारी है। हमने इतने मजे किया कॉलेज में, कभी उधर कैंटीन में जाना, कभी उधर गाने गाना, कभी उधर बंक मारना। मैं बंक मारना न्यूरोपैथी वाला चैप्टर पढ़ा, बंक मार लिया था उसे। अरे हंसना मत सर यहाँ पे। कह रहे कुछ नहीं हुआ है अभिषेक। सर हुआ, 3 दिन से दर्द हो रहा है, मैं पहले लीलावती भी गया था, वहाँ पे लीलावती गए थे डॉक्टर शिरीष के पास। मैं कहा हाँ। कह रहे दोस्त है मेरे, अभी फोन करता हूँ उनको मैं। वही लैंडलाइन से स्पीकर पे फोन कर रहा हूँ। हेलो शिरीष, हाँ नरेश है। अच्छा शिरीष, वो अभिषेक उपमन्य कर वहाँ पहुँच गया वो। उसको भरोसा नहीं है मेरे डायग्नोसिस पे, उसको मैंने बोला था, मैंने फोन उठा लिया बीच में। हेलो शिरीष, नहीं नहीं मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा, बोल दूंगा, नहीं ये नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं शिरीष नहीं, नहीं इस पे FIR हो सकती है शिरीष। नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मार दे किसी के भी। चलो ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो मैं कर दूंगा। ठीक है, और बाकी कैसे घर में भाभी जी का मेरे बारे में? अच्छा भाभी जी ने सिर्फ में मजाक किया। मैं कहा बंद करो इसको यार, नमक चौधरी लगा रखी है यहाँ पे, मेरे ये सर 25 हो गया होगा अब तक। कह रहा अभिषेक देखो उन्होंने बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूँ आप यार, वो सीनियर है हमारे। मैं कहा वो सीनियर आप? कह रहे मुझे कुछ होता है मैं उनके पास जाता हूँ। मैं उनके पास क्यों जाता हूँ, पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है। कह रहे कुछ नहीं हुआ। मैं कहा सर कुछ तो बता दो सर। कह रहा जाओ विटामिन खाओ। मैं कहा कौन सी? कोई उंगली चूज करो। उसके पास गया, कह रहा देख ब्रो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है वीड में, तो ये स्मोक कर सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा स्मोकिंग से कैंसर होता है यार, ये सब क्या बोल रहा है। कह रहा टेंशन मत ले, बटर में डाला टोस्ट बना दिया बहनचोद, इतने जल्दी काम करते दिखाई नहीं मैंने उसको आज तक क्या। फटाफट कह रहा अभी ये ले भाई टोस्ट खा तू। मैं टोस्ट खाए सब ठीक हो गया, सारे दर्द गए, उल्टा मुझे लगने लगा क्या ही है कैंसर, इसी मिट्टी से आए थे, इसी में नहीं यार मैं ना पूरा घुस रहा था फिटनेस में, सारी कोशिश की फिटनेस में करने की, और मैं अपनी फैमिली को भी फिट करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो अपने फैंस को भी चाहूंगा तुम फिट हो जाओ, तुम मर गए मैच में कौन आएगा, तो ध्यान रखो ठीक है थोड़ा। मैं सारी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली सबको कोशिश कर रहा था, फिर मेरी कजन आई, मेरी कजन ने बोली अभिषेक आई थिंक यू आर ओवर फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मेन होती है, वो ठीक हो सब सही रहता है। मैं कहा मेंटल हेल्थ मेरी परफेक्ट है। कहीं देखे फर्स्ट साइन है गंदी मेंटल हेल्थ का तो पता कर तू।
तो फिर जो मेंटल हेल्थ की जो मेन दुकान है वो है थेरेपी। पता होगा तुम्हें, पहली बात तो बहुत महंगी है, 2500 रुपये लेते हैं 45 मिनट की बकचोदी की। 2500? तुम तो हंसा भी नहीं रहे यार, सस्ता करो थोड़ा सा यार। मैं गया थेरेपिस्ट के पास फर्स्ट डे, मैं कहा सुनो जल्दी ठीक हो, टाइम नहीं मेरे पास। कह रहे ऐसे नहीं होता अभिषेक, ये कुछ रिटन टेस्ट हैं, आप ये टेस्ट दो एंड बेस्ड ऑन ए टेस्ट रिजल्ट विल प्रोसीड। मैंने सारे टेस्ट दिए, टेस्ट के रिजल्ट आए, थेरेपिस्ट ने बैठाया, कह रहा बैठो अभिषेक, अभिषेक आपके रिजल्ट आ गए हैं, आपको स्किज़ोइड पर्सनैलिटी और जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। मैं कहा सर न्यू ईयर पर जो कांड हुआ ना उसके बाद अजय और नेहा की बातचीत ही बंद हो गई है। कह रहे क्या बोल रहे हो, मैं आप क्या बोल रहे हो। सर मुझे ही बहुत बातें पता जो आपको नहीं पता। मैं शो ऑफ कर रहा हूं, नहीं ना, तमीज से बताओ क्या हुआ है। कह रहे बेसिकली आपको इमोशंस फील नहीं होते, अभी तो गुस्सा आ रहा है लेकिन। कह रहे इमोशंस की इंटेंसिटी फील नहीं होती, जैसे मान लो ये इमोशन की नीडल है, तो बाकी दुनिया का ऐसा होता है कि ये है मैक्सिमम दुख, ये कम दुख, ये कम दुख, ये नॉर्मल रेंज, ये खुशी और खुशी, मैक्सिमम खुशी। पीपल हैव अ होल रेंज ऑफ इमोशंस, आपकी रेंज इतनी ही है बस। ये आपका मैक्सिमम दुख है, ये आपकी मैक्सिमम खुशी है। आप बहुत दुखी होते हो तो कहते हो बहुत खुश होते हो कहते हो हा हा। मतलब क्या इस बात का, प्रैक्टिकली बताओ क्या। क्या मतलब ये है कि आपको अच्छा और बुरा ऐसे ज्यादा कुछ लगता ही नहीं। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, अच्छा लगता है मुझे। कह रहे कब अच्छा लगता है, मैं कहा आइसक्रीम खाते टाइम। कह रहे मजा आता है, मैं कहा बहुत मजा आता है। सोच के मजा आ रहा है अभी। कह रहे करेक्ट, पर आपको उतना मजा नहीं आता जितना बाकी दुनिया को आता। ये आपने मुझे बताया क्यों है? दोस्तों का सारे हैंगर खराब कर दिए इसने मेरे है। हम बाहर जाके खाना ऑर्डर कर रहे हैं, मैंने कहा दाल अच्छी है, दोस्त कह रहे बहुत ही अच्छी है, मैं ज्यादा मजे ले रहे हैं। मैं क्यों बराबर बिल दे रहा हूँ सालों से। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ क्यों है, मैं तो किसी का कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं आज तक। कह रहा अभिषेक देखो बचपन में ना आपके पेरेंट्स ने आपको अफेक्शन नहीं शो की, अब उन्होंने नहीं अफेक्शन शो की तो आपको भी नहीं पता कि इमोशंस को शो करना होता है। आप समझ रहे हो, मतलब आपकी पूरी फैमिली ठुस्सी ही है। मैं एक मिनट, सारी गलती पेरेंट्स की है। अरे वेल यू कैन से, मैं कहा बस हा हा। मैं कहा मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। कह रहे अभिषेक सेशन चल रहा है, मैं पैसे देना चुपचाप बैठा रहा बैंक। इश्यूज में लिख लो ये भी, सेशन चल रहा है तेरा। मैं हेलो पापा अफेक्शन क्यों दी बचपन में। अरे अरे क्या हुआ, मैं कहा बाकी लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं आइसक्रीम के। अरे सब आपकी वजह से घटिया आदमी। कह नहीं बेटा तुम सही बोल रहे हो, हमने ध्यान नहीं दिया बचपन में इन चीजों पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा ध्यान तुम्हारी फीस देने में था, हमारी प्रायोरिटी वो थी तुम्हारी एजुकेशन। तुम बेटे हमारा सोचो, बचपन में हमें तो ना अफेक्शन मिली ना फीस मिली, हम लोग इतने गरीब थे। मैं आप ले लो थेरेपी यार। इनसे करो बात आप।
मेरे तो 15 साल के इशूज हैं, इनके 50 साल के हैं। बहुत मोटा कस्टमर है, पकड़ लो 10 साल आएगा। मैं यही करते हैं थेरेपी वाले, वो करते हैं सब कुछ आपके चाइल्डहुड पे डाल देते हैं कि बचपन में ही हो गया था, बचपन में हो गया था भाई, अब क्या हो गया तुम्हें, तब आना चाहिए था ना, तब तो तुम्हें छुपन छुपाई खेलनी थी, जाओ खेलो फिर, हो गए ना इश्यूज, सब बचपन में पेरेंट्स से हो जाता है, तो वो अच्छे हैं तो तुम अच्छे, वो गंदे तो तुम गंदे, वो टकले तुम टकले, विच इज ट्रू एंड सैड बिकॉज मेरे पापा टकले हैं, तो मैं भी हो ही जाऊंगा, यार दिन की बात नहीं है, बहुत दुख हुआ तुम्हें पता लगा, मैंने पूछा अपने पापा से, मैं टकले कैसे हो गए आप यार, कह रहे अरे बेटा मैं बाल धोता था रिन से। क्यों क्या, मुझे लगा झाग झाग होता है क्या। मैं बोला थेरेपिस्ट को, मैं कहा देखो यार थेरेपिस्ट, अभी तक ना आपने मेरी सारी गलतियां ही बताई, मुझ में क्या गलती है, मेरे पेरेंट्स में क्या गलती है, मेरी अपब्रिंगिंग में क्या गलती है, सोल्यूशन बताओ सर, ठीक कैसे होगा ये सर। हाँ अभिषेक देखो, आप ना इमोशनली बहुत दबे हुए हो, आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करो, आपको आपके पेरेंट्स पसंद है ना, दो से ला दो, ये कोई पसंद नापसंद का सवाल है, पसंद नापसंद तब पूछी जाती है अगर आपके पास कोई चॉइस हो, ये धरती पसंद है आपको, अबे यही है जो है, अभी कह रहा है पसंद है, हाँ पसंद है, कह रहा उनको जाके आई लव यू बोल दो, मैं पागल सुनो आप जाओ थेरेपी और थोड़ा कम एक्सप्रेस किया करो आप। पेरेंट्स को आई लव यू बोलता है, मैं हैप्पी मदर्स डे पर डांट खा चुका हूँ। सेम हियर ब्रो, कह रहे नहीं अभिषेक बहुत जरूरी है एक्सप्रेस करना, देखो उसकी वजह से आपका सेकंड इशू हो रहा है विच इज योर जनरल एंग्जायटी डिसऑर्डर, मैं क्या होता है उसमें, क्या होता है उसमें, खैर आप प्रेजेंट नहीं रह पाते, आपको प्रेजेंट में रहना है, आप हमेशा या फ्यूचर का सोचते हो पास का सोचते रहते हो, कह रहे जैसे आप नहाते हो जल्दी नहाते हो आराम से नहाते हो, मैं कहा जल्दी नहाता हूँ, कह रहे एंग्जाइटी, कह रहे जो घर में बेल बजती है क्या करते हो, मैं कहा भाग के खोलने जाता हूँ, कह रहे एंग्जाइटी, घर में तोरी बनती है नहीं खाते, मैं कहा ना एंग्जाइटी, कहना सब्जी चूती है। सही बोला। तो पता लगा ऐसे समझ रहे हो तुम, तो एंग्जाइटी में से ऐसे ही नहाना होता कि नहा के निकल ली जल्दी चटा तो हो गया, ऐसे नहाना कि अरे मैं साबुन लगा रहा हूँ, अच्छा अच्छा अरे साबुन पूरी ऐड बन रही है, ओ पानी पड़ रहा है मुंह, ऐसे नहाते नॉन एंग्जियस लोग, समझ रहे हो तुम, घर में बेल बजती है टिंग डोंग बेल बजी है, ओ मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोल, दरवाजा खुला एनसीपी अंदर आई है, ऐसे ठीक है, ऐसे रहते नॉन एंग्जियस, मैं कहा वेरी गुड आपने पकड़ लिया, मैं कहा मुझे तो ठीक ही लगता है जल्दी नहा के काम हो जाता है, कह रहे नहीं नहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा, देखो क्योंकि एंग्जाइटी कई बार बहुत बढ़ जाती है, बहुत लोग कंट्रोल से बाहर चली जाती है, जब वो बढ़ती है तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मैं कहा जैसे, कह रहा आपको पेन होगी जो आपकी बॉडी में पूरी ट्रैवल करेगी, दर्द हो जाए, अभी आया पॉइंट पे, ओ कह रहे कुछ लोग तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए बहुत कुछ ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो टेंपरेरी रिलीज दे देगा, बट ओवरऑल आपकी एंग्जाइटी और बढ़ी रही है। मैं तो बहुत टोस्ट खा गया। मैं कहा तो ठीक कर दो इसको, जल्दी ठीक कर दो यार, सुनो 11:30 हो रहे, 2 बजे तक कर दोगे ठीक। तो कह रहा ठीक नहीं होता ये कभी। क्या खैर बस मैनेज हो सकता है, मैनेज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। मैं कहा ये पानी पानी क्या लगा रखा है यार, मैं कहा वो शिरीष में, कह रही शिरीष कैसा है शिरीष, मैं कहा तुम लोग
मिलते क्यों नहीं अभी? ये पेशेंट को तो क्या हालचाल पूछे जा रहे हो? और कौन से कॉलेज से हो तुम सारे भाई? जहां पानी पिलाना सिखा रहे हैं तुमको बस? मैं हॉस्पिटल डाल पानी का टंका लगा दो यहाँ पे, लिख दो उस पर लीलावती, आगे पानी भर के चल जाएंगे भैंसों में। कह रहे जाए यहाँ से, हो गया सेशन तुम्हारा पूरा 2,500 रुपये लेके। इसे तो सीरीज ही अच्छा था, कम से कम मामों की बुराई तो नहीं की उसने। ओ भाई खत्म, आउट्रो पे जाओ। ओ भाई स्टैंड अप कॉमेडी ओपी ब्रो, भाई मजा आ गया। से मैं भी बोलना चाहूँगा, मैं भी नहाने में थोड़ा टाइम लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, मैं भी थोड़ा रफली 20 मिनट्स लेता हूँ मैं नहाने में। और अभी जाते वीडियो पे, अभिषेक उपमन्यु ऐसा कुछ, मैं नाम भी भूल गया यार, मेरा नाम याद नहीं रहता एक्चुअली। तो भाई वीडियो तो स्टैंड अप कॉमेडी हमेशा अच्छी रहती है, इसके भी मैंने बहुत वीडियो देखे वो भी अच्छे ही थे, ये भी मुझे अच्छा लगा। हेल्थ एंजाइटी, तो एंजाइटी मुझे लग रहा है मुझे भी है, मुझे भी यहाँ से वहाँ दर्द होते रहता है, बस वो सीढ़ी चढ़ते टाइम होता है। मजाक कर रहा हूँ। तो भाई ओवरऑल वीडियो तो अच्छा ही था, प्लस इसने जो अभी बोला मेंबरशिप स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, तो पूरा वीडियो भी मुझे अभी देखना पड़ेगा एक्चुअली, तो मैं वो भी देखूँगा, या तो फ्री में ईयर एंड में देख लेंगे और क्या। वीडियो तो हो गए, वीडियो भी अच्छा बना है एक्चुअली, तो खत्म कर देते हैं और क्या। पीस।